बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्लास नर्सरी। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी वर्किंग कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारी 21 वर्किंग की वीडियो है। 21 वर्किंग की वीडियो में सबसे पहला वर्क है हमारे पास इंग्लिश सीरीज स्टेप जीरो। इंग्लिश सीरीज स्टेप जीरो में आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं पेज नंबर 25। आज हम पेज नंबर 25 पे पढ़ेंगे साउंड ए। पहले हमने यहाँ पे देखें, जो हमने साउंड पढ़े थे ए बा खा ड, इन सबको एक साथ लिखा था ना। अब हम इसके आगे वाला साउंड पढ़ेंगे। सारे बच्चे बोर्ड पे देखें, सारे पढ़े मेरे साथ। ट्रेस एंड कलर, ट्रेस एंड कलर, ट्रेस एंड कलर। ए ए ए, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं। इन सबके पहले हम पिक्चर्स के नाम पढ़ेंगे, फिर इसको इसके साउंड के साथ रिकग्नाइज करेंगे। पढ़े मेरे साथ, एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, इंजन इंजन इंजन, एग एग एग, एनलॉप एनलॉप एनलॉप, आई आई आई। यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनका बिगनिंग साउंड क्या है? ए। चले अब इसके बिगनिंग साउंड के साथ इसकी पिक्चर पढ़ते हैं। ए एलिफेंट, ए एलिफेंट, ए इंजन, ए इंजन, ए एग, ए एग, ए एनलॉप, ए एनलॉप, ए आई, ए आई। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें हमें कलरिंग करनी है और यहाँ पे जो साउंड दिया गया है ए, विच साउंड इज दिस? ए। इस पे हमें सबसे पहले ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद हम कलरिंग करेंगे। हमने सबसे पहले पेज को रीड आउट कर लिया, अब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे पेंसिल से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ए पे यहाँ पे वन लिखा हुआ है और यहाँ पे टू, तो सबसे पहले टू आता है या वन? वन आता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टू से स्टार्ट करेंगे या वन से? वन से स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे अपनी पेंसिल वन पे रखेंगे, यहाँ पे सबने रखी, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल डॉट से डॉट मिलाएंगे, ऐसे प्यारा प्यारा सा, जैसे मिस कर रही है ना काम, बिल्कुल वैसे ही डॉट से डॉट मिलाएंगे। यहाँ लेकर आएगा टू पे, अब हम टू टू से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। देखें डॉट से डॉट मिलाएंगे तो काम बहुत अच्छा होगा और प्यारा प्यारा सा होगा। देखें यहाँ पे जैसे मिस कर रही है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग कर रहे हैं काम, गुड। ऐसे प्यारी प्यारी से ट्रेसिंग करेंगे। देखें हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट हुई। पढ़ें ए ए ए, हमने यहाँ पे ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है इन पिक्चर्स में? कलर करना है। देखिए यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स लगे हुए हैं। सबसे पहले एलिफेंट है ना, एलिफेंट कौन से कलर का होता है? आप लोगों ने देखा एलिफेंट को कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। देखिए यहाँ पे भी ग्रे कलर हुआ हुआ है ना, आप लोग भी अपनी कॉपी में ग्रे कलर कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पिक्चर पे आते हैं, सेकेंड पिक्चर हमारी इंजन, इंजन पे यहाँ पे ग्रे कलर हुआ है, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर। कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर। इंजन में हम ये कलर नहीं करेंगे, इंजन में हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर। उसके बाद एग है, एग वाइट ही करेंगे, एग में कोई सभी कोई बच्चा कोई सभी कलर नहीं करेंगे। उसके बाद एनलॉप, एनलॉप पे यहाँ पे कौन सा कलर हुआ हुआ है? पिंक कलर। आप लोग भी अपनी कॉपी में पिंक कलर कीजिएगा। उसके बाद आई पे आते हैं, आई भी बिल्कुल वाइट है, तो आप लोग भी आई पे
कोई सा भी कलर नहीं कीजिएगा। दोबारा पढ़ते हैं, पढ़ें। ए एलिफेंट, ए इंजन, ए एग, ए एनवेलप, ए आई। आज की हमारी वर्किंग कंप्लीट हुई, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज स्टेप जीरो। नंबर सीरीज स्टेप जीरो में आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे आज हम वर्किंग करेंगे नंबर थ्री। सबसे पहले हमने प्रीवियस वर्क में नंबर थ्री का पैटर्न किया था, उसके बाद हमने उसकी ट्रेसिंग की थी और उसको रिकग्नाइज किया था। आज हम पढ़ेंगे नंबर थ्री। विच नंबर इज दिस? नंबर थ्री। दिस इज द नंबर थ्री, कलर द पिक्चर। दिस इज द नंबर थ्री, कलर द पिक्चर। मीन्स यहाँ पे क्या है, नंबर थ्री है और उसके सामने पिक्चर्स बनी गई हैं। इनको चले काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाउ मैनी पिक्चर्स? 3 पिक्चर्स। यहाँ पे हमें सबसे पहले ट्रेसिंग दी गई है 2 लाइन्स में, नीचे हमें खुद लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर्स बनी गई है ना, बनी हुई है, इन्हें यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, हाउ मैनी थिंग्स आर देयर, मतलब यहाँ पे कितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं। यहाँ पे जो डैश नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे हमें नंबर लिखना है ये पिक्चर्स काउंट करके। अभी हमने काउंट किया, अब हम दोबारा काउंट करेंगे, 1, 2, 3, हाउ मैनी पिक्चर्स? 3 पिक्चर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, ऐसे राउंड एंड राउंड 3 पढ़ें। ट्रेस द 3, ट्रेस द 3। यहाँ पे हमें 2 लाइन्स पे क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है 3, नंबर 3 की। सारे बच्चे पेंसिल्स निकालेंगे और मैं इसके साथ साथ ट्रेसिंग करेंगे, डॉट से डॉट मिलाएंगे तो हमारी ट्रेसिंग क्या होगी, अच्छी सी ट्रेसिंग होगी। आराम आराम से प्यारी प्यारी सी ट्रेसिंग करेंगे, बिल्कुल डॉट से डॉट मिला के ट्रेसिंग करेंगे। अगर किसी की ट्रेसिंग हिल जाती है तो वो क्या करेंगे, रेजर का यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरीके से राउंड एंड राउंड 3 फॉर्मेशन राइम के साथ, राउंड एंड राउंड 3, राउंड एंड राउंड 3, नंबर 3, राउंड एंड राउंड 3, ऐसे प्यारी प्यारी सी ट्रेसिंग करेंगे, राउंड एंड राउंड नंबर 3। अब हमने यहाँ पे 2 लाइन्स पे ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमें खुद लिखना है, राइट योर ऑन 3s, मतलब यहाँ पे आप लोगों को खुद लिखना है, ना कोई डॉट है ना कोई ट्रेसिंग है। पेंसिल रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, ऊपर ऐसे राउंड एंड राउंड 3, राउंड एंड राउंड 3, राउंड एंड राउंड 3, राउंड एंड राउंड 3, राउंड एंड राउंड 3। यहाँ पे हमने राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली नंबर 3 की। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी गई हैं इनमें हमें क्या करनी है, कलरिंग करनी है। क्या बने हुए हैं इधर, ऑरेंज। क्या बने हुए हैं, ऑरेंज की पिक्चर बनी हुई। ऑरेंज किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के। और इनके जो लीफ हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर लेंगे और इनके लीफ में कलर करेंगे, ऐसे ग्रीन कलर को इनके लीफ पे ग्रीन कलर करेंगे, ऐसे प्यारी प्यारी से आउटलाइन बना के और ग्रीन कलर करेंगे इनके लीफ पे सबसे पहले।
तीनों ऐसे लीफ पे कलर ग्रीन कलर, 3 ऑरेंज के लीफ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें कौन सा कलर करना है? ऑरेंज कलर करना है। ऑरेंज कलर के भी सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे, ऐसे ऐसे आउटलाइन बनाएंगे और इसके अंदर अप एंड डाउन कलर करेंगे ऐसे। इसी तरीके से दोनों ऑरेंज में भी आप लोगों को ऑरेंज कलर करना है। हमारा पेज नंबर 26 कंप्लीट हुआ। चलिए दोबारा से हम इसकी रीडिंग करते हैं। पढ़े नंबर थ्री, दिस इज द नंबर थ्री। 1, 2, 3, 1, 2, 3। हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 3। हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 3 ऑरेंज। हमारा पेज नंबर 26 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट राइटिंग की तरफ। अब हमारी